गोरखपुर में सोमवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,430 पहुंच गया है। इनमें से 20,991 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 360 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 79 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो कैंट थाना क्षेत्र में एक मरीज मिला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के कैंपियरगंज और बांसगांव में एक एक मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इससे लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।